कि दूसरी जब हम इंडस्ट्रीज देखते हैं तो वहां की जब हम इंडस्ट्रीज देखते हैं तो वहां पर हम ताली बजाते हैं, क्लैप करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब हमारे ही एक्टर्स, हमारे फनकार, गुलूकार उस पाए के मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टेज आप देखिए पहले कहाँ पे था, फिर कहाँ पर आ गया, मूवीज नहीं है, ड्रामास नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, वजूहात क्या है, रीजंस क्या है? कल्चर पॉलिसी नहीं है, हमारे पास ड्रेस कोड नहीं है, हमारे पास कोई कानून नहीं है इसके ऊपर, किसी ने बनाया है वो, किसी को यही नहीं पता कि अगर इस कानून के तहत इस इंडस्ट्री को चलाया जाए तो कितनी इनकम हो सकती है। यानी शायद थोड़े दिन पहले भी मेरी किसी चैनल पे बात हुई कि अगर सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट मेरे साथ बैठकर सिर्फ कल्चर की पॉलिसी बना ले, 10 साल के अंदर इस मुल्क के ऊपर जितना भी, अगर जितना कर्जा है इतना और भी ले लें तो मैं 10 साल में उतार दूंगा, मैं उतार सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात है, जो इकोनॉमी का हमारा मसला है, हम तो रोज IMF की तरफ देखते हैं, हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हैं। सवाल इस वक्त ठाकुर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अपने लोगों से क्यों नहीं फायदा फिर ये उठा रहे हैं, जब आप इस तरह की एक ऑफर कर रहे हैं और आप जैसे और भी बहुत से लोग मौजूद हैं लेकिन हल नहीं निकल रहा, हम वहीं के वहीं फंसे हैं और मजीद उन परेशानियों में हम घिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक्टरों से, टेक्नीशियनों से वो लोग फायदा कमा रहे हैं जो UK में फिल्म बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। मैं पिछले 3 साल से थिएटर नहीं करता, कोविड से पहले ही कुछ अर्सा पहले मैंने छोड़ दिया था, इसलिए कि मुझे पूरी दुनिया में जाना था, अपने कल्चर को लेके जाना था, मुझे पंजाब के कल्चर को बचाना था जो ख़त्म होता जा रहा था, पंजाबी फिल्म ख़त्म होती जा रही थी। आज भी मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि पंजाबी फिल्म अगर पाकिस्तान के अंदर उस टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए तो पंजाब की इंडस्ट्री हो सकता है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो। हॉलीवुड के बाद अब जो है वो तमिल इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्री नहीं है, बॉलीवुड नहीं, तमिल, पंजाब तीसरे नंबर पे है। हमारी फिल्में हर वीक में 2-2, 3-3, 5-5 फिल्में रेडी होती हैं, हमें पूरी दुनिया की कैलेंडर के साथ बैठ के चलना पड़ता है कि भाई इस दफा आप ना लगाना या 2 दिन ठहर जाओ। पहले हर फ्राइडे को फिल्म लगती थी, अब हम जुमेरात को भी लगा लेते हैं, क्योंकि अगर जुमेरात को फिल्म लगी, जुमे को पता चला कि भाई इसका रिस्पांस अच्छा नहीं, हम सैटरडे को एक और लगा सकते हैं, हमारे पास फिल्म रेडी पड़ी है, हम संडे को लगा सकते हैं। इसलिए मैं तो काम कर रहा हूं पूरी दुनिया में, मैं तो कर रहा हूं, लेकिन कैसा एक्सपीरियंस रहा पंजाबी फिल्मों में, जो इंडियन पंजाबी फिल्मों का मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा, वहां के एक्टर्स भी कोलैबोरेशन, ये जो हो रही है ये एक बड़ी अच्छी चीज है? नहीं, उसमें सबसे अहम चीज है कि आप कोई भी फिल्म या कोई भी तफरी ऐसी बनाएं जो आप अपनी दादी अम्मा के साथ बैठ के देख सकें। बिल्कुल, फैमिली फिल्म। अब शायद हो सकता है कि 20 में से 5 लोग सिनेमा जाते हों, जो 10-15-20 लोग हैं जो घर के अंदर हैं वो टेलीविजन के ऊपर लगा लेते हैं फिल्म। अगर 2 बंदे हैं या अकेला अकेला मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मोबाइल सिनेमा इन योर पॉकेट। बिल्कुल, घर के अंदर खाना बन रहा है, मेहमान आए हुए, फूफी आई हुई है, मासी आई हुई है, अब घर के अंदर है, आप सामने आपने फिल्म लगा ली, अगर तो वो फैमिली फिल्म है, अगर उसमें कोई बैड जेस्चर भी नहीं है तो आप इंजॉय कर सकते हैं उसको, लोग एंजॉय करेंगे। लिहाजा वहां की जितने फिल्में बनती हैं वो फैमिली फिल्में बनती हैं, इसलिए वो पूरी दुनिया में कामयाब हैं। मैं एक फिल्म का प्रीमियर करने के लिए गया न्यूजीलैंड, तो सिनेमा के ऊपर जब फिल्म शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी कि 26 टिकटें ली हैं एक बंदे ने, और वो ये कह रहा है कि पैसे मैं तब दूंगा जब इफ्तिखार ठाकुर मेरे सामने आएगा, मैं उसके हाथ में पैसे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। अब इंटरवल के अंदर मैं बाहर गया हूं तो मैंने मंजर जो देखा बाहर का, कि एक खातून जिसकी उम्र 96, 98 या 100 साल रही होगी, दोरी हुई हुई ऐसे, उसके बच्चे खड़े हैं, उसकी बहुएं खड़ी हैं, बेटियां खड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। मैंने कहा सत श्री अकाल जी, आ देखो 38 साल हो गए मैनू न्यूजीलैंड च रहिंदे आ, 26 असी घर दे बंदे आ, साडे घर नू कदी ताला नहीं लगा, मैं थानू तां मिलना चाहुंदी सी, थोड़ी वजह तो मेरे घर ताला लगा। सही, सारे आ गए, यानी 26 लोगों में से कोई बंदा घर रहने को तैयार नहीं था, बिकॉज फैमिली फिल्म, कि उनकी बहू और उनका बेटा फिल्म देख के गए हैं, उन्होंने घर जाके बात की है, तो 26 लोग आए हैं। अब अगर आप जिस तरह की फिल्में हम बनाते हैं, माफ कर दीजिएगा, बुरी बात है, अपने मुल्क के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए,
दो मोटरसाइकिल वाले आते हैं घर से चोरी दाता दरबार का कह के, फिल्म देखते हैं आके और चुप करके चोरी से निकल जाते हैं। अगर ये फिल्म बना लेंगे तो क्या होगा, एक गाड़ी में पांच लोग आएंगे, अम्मी भी आ जाएगी, दादी भी आ जाएगी, बेटी आई हुई है, साथ दो बच्चे आए हुए हैं, पार्किंग पूरी भर जाएगी फैमिलियों से, और फिल्म का बजट जो है वो भी आपको वापस आ जाएगा, आप अगली फिल्म के लिए तैयार हो जाएंगे। सो स्क्रिप्ट की स्क्रूटनी। ठाकुर साहब लास्ट टाइम फिर क्यों, क्या वजूहत हुई जब मेरी आपसे नियो पाकिस्तान में बात हुई थी, जिस मूवी का तस्करा अनवार भी अभी कर रहे हैं, आई एम श्योर इट मस्ट बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा होगा दोनों तरफ से भी, तो फिर क्यों हमारे यहाँ इस मूवी को बैन करने की बातें हो रही हैं? जैसे हम दूसरे माफियाज की बात करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री में भी फिर कोई माफिया मौजूद है कि हम अपनी ही मूवीज नहीं लगाना चाहते इन सिनेमा, क्या वजह है? वो यहाँ के जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के लोग थे या यहाँ जो पुराने लोग थे उनको ना मुझ पर गुस्सा बहुत था कि जो काम हम नहीं कर सक रहे या हमें नहीं आता, ये क्यों करता है और ये क्यों करता है, उनको मुझ पर गुस्सा है क्यों करता है। तो उनके हाथ में है सारा सिस्टम, वजीरे इत्तेहाद अकेले करते हैं और वो कह रहे हैं मैंने साथ रख रहे। हाँ ये भी हो सकता है कि अकेला मैं इसलिए करता हूँ कि वो मशवरे देते हैं, सिफारिश। देखिए एक कैरेक्टर है उसमें मुझे सोनम बाजवा चाहिए, मैं तो जाऊंगा उसके पीछे कनाडा, मैं तो उसके घर के बाहर खड़ा हो जाऊंगा जाकर कि मुझे आप चाहिए, चाहे आप 100 करोड़ लेती हूँ। ये साथ वाला जो बंदा मेरे होगा ना जिससे मैं बात करता हूँ, वो कहेगा यार छाड़ दे मेरी एक वाकफ है कुड़ी, भाई ये सिफारशी बंदा, ये कैरेक्टर के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज करना, ये मैं नहीं कर सकता सर, मैं नहीं कर सकता। अच्छा ठाकुर साहब, ये तो हम मूवीज की बातें कर रहे हैं और बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू भी हो रही है, लेकिन कुछ आपकी जाती जिंदगी की बातें और इफ्तिखार ठाकुर कौन है, ये जो हम्बलनेस में आप में देख रही हूँ, झुकाव देख रही हूँ, या जो आपकी कामयाबी है, क्या ऐसा गुड़ है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे देखने वालों के साथ? नहीं वो तो अल्लाह सिम डाले तो सिग्नल आते हैं, बंदे का जाती नहीं कुछ होता, जिंदगी के तजुर्बात होते हैं। मैं ना बहुत अरसा तक पाकिस्तान के जो एक्टर हैं ना जी, इनके इंटरव्यू सुनता रहा, कोई भी नहीं कहता था मैं वहां से पढ़ के आया हूँ। बाकी मैं जितने भी इंटरव्यू सुनता था उनमें वो कहते मैं फलानी अकेडमी से पढ़ा हूँ, मैं रोशन तिंजा से पढ़ा हूँ, मैं फलान, मेरे दिल में सवार, दिमाग पे सवार हो गई ये बात। ये 96-97 की बात है, तो मैंने सरतोड़ कोशिश की कि मैं किसी तरीके न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी कर लूं। मैंने नाइफा के बारे में सब पढ़ा हुआ था, करता करता पहुंच गया वहां पे जाके 97 के अंदर 7 मई को। मैं ऑफर आपकी जानिब से हुकूमत को दी गई है, हम चाहेंगे कि हुकूमत इस पर जरूर काम करे, इस पर फोकस जरूर रखे। बिल्कुल, प्रोग्राम में लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे साथ में।